यार तगड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे तो। ये क्या हो गया? एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे जाम भी लग रहा है, यहाँ पे हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं। सो हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि भाई सुबह सुबह ही मेरे सूरज भाई का फोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी दिन हो गया हम लोग अभी एक भी राइड पर नहीं गए, तो यार आओ चलो ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं, काफ़ी दिनों से हम लोगों ने शूट नहीं कराया। तो मैंने भी कह दिया कि भाई ठीक है चलो मैं आता हूँ। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है मैं पिटानी से शुरू कर रहा हूँ। ये मेरी बुलबुल, यहाँ की आपसे देख लो, मीटर वगैरह था मैं साफ कर लेता हूँ। गाइस तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा, भाई इस वीडियो को शूट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है मेरे को, और इस वीडियो को भाई वॉइस ओवर हो रही है, क्योंकि इस वीडियो को जब मैंने शूट करा था तो उसमें भाई माइक मैं लगाया था लेकिन माइक सपोर्ट नहीं करा मेरे फ़ोन में, जिसके वजह से भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। इस वीडियो में थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं है, सारी आवाज़ जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने एडिटिंग में, आप लोगों को पता होगा भाई एडिट करने में भाई कितना ज़्यादा मेहनत लगता है मुझे इस वीडियो को, और ऊपर से इसमें वॉइस नहीं है तो और वॉइस ओवर भी मेरे को करना पड़ रहा है। तो भाई मतलब कि अगर एक वीडियो को एडिट करने में 2 घंटा लगता है ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, भाई साहब 3 बार 4 बार 5 बार देखना पड़ता है उसको, कहीं उसमें दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। लेकिन इस वीडियो को अब एडिट करने में भाई और ज़्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि भाई इसको मैं ऊपर से वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ। तो खैर कोई ना, आप लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। तो चलते हैं आज के इस ब्लॉग के, अभी मैं पिटानी से ब्लॉग शुरू करा अपने गांव से, अब मैं जाऊँगा बढ़ल सूरज भाई के पास, फ़ोन करूँगा और उन्हें बुलाऊँगा कि भाई कहाँ चलते हैं कहाँ नहीं चलते हैं। अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं करा है, ये बाइक मैं वहीं पर रख दूँगा, उनकी एक बाइक है और सौरभ भाई की भी बाइक है, उस बाइक से हम लोग जाएंगे, क्योंकि TVS से राइड करने में भाई अच्छा नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, भाई TVS से राइड करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन जब एक TVS स्पोर्ट में पेट्रोल पंप पे लेके जाता हूँ ना, तो भाई तब बहुत ज़्यादा मेरे को सुकून मिलता है और तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। जब मैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ और पूरे दिन घूम लेता हूँ ना, तब मज़ा आता है भाई। TVS स्पोर्ट का भाई एक फ़ायदा मेरे को बहुत ही शानदार लगता है भाई, और बहुत ही सुकून मिलता है भाई। जब पेट्रोल पंप पे 100 रुपये का डलवा दो भाई, टेंशन मुक्त रहो, पूरे दिन चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होता है, और मैं इसकी TVS की जो अच्छी बातें हैं कुछ बुरी बातें हैं, मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, जितने दिन मैंने स्कूल करा रोज़ मैं डेली मैं 40-50 किलोमीटर चलाता था इसको। तो सारा कुछ मैं अगर इस पर डेडिकेटेड वीडियोज़ भी मैं लाऊँगा, स्पीड टेस्ट करके लाऊँगा, अभी यार क्या कर रहा है, स्पीड टेस्ट करके लाऊँगा, इसकी ऑफ रोडिंग टेस्ट करूँगा, मतलब सारी वीडियो आएगी। थोड़ा धूप होने लगे इस समय, बहुत ठंड लग रही है भाई, इसलिए राइड करने का मन नहीं कर रहा है। वो यार ये क्या हो गया? वो यार तगड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे तो। चोकर की गाड़ी थी भाई, यार एक बार देख लेते हैं, इसमें तो ज़्यादा नुकसान हो गया इन लोगों का भाई, पूरा पलटी खा गया है, यहाँ पे जाम भी लग रहा है। यहाँ पे हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं, शायद बच गए हैं ड्राइवर यहीं से, भैया सर कुछ हुआ नहीं है, बस चलते हैं आगे। भाई तो हम लोग कहाँ से यार, बहुत मूड ख़राब हो गया यार, क्या एक्सीडेंट देखते हैं, यहाँ पे हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन यार सेफ ड्राइव करो मेरी तरह, मैं तो हमेशा हमेशा कहता हूँ यार सेफ ड्राइव किया करो।